तो अच्छा चलो इन्होंने देखा होगा इनको पता होगा मैंने भी नेट पे देखा होगा मैंने मेरे ख्याल से तो ये था कि दोनों चीजें इकट्ठी मिल जाए हां अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें इकट्ठी मिलती है जम देखो वो ऊपर वाला भी में नहीं बहुत है नहीं खुशबू तो आ रही है कि कुछ होगा एक मिनट अभी इसको कवर कर दो हां पड़ गई ये अभी क्या करने लगे एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं हम लोग ठीक है चलो करके देखते हैं। चलो आप लोग क्या डालने लगे हो? अच्छा जी ऑयल डालने लगा है यहाँ था। हो गया, स्टार्ट हो गया खुशबू प्यारी आ रही है ना चलो दिखाओ मैं हिलाती हूँ। चलो

इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है देखती आंखों सुनते कानों को एमन का चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे तो जनाब आज पॉपकॉर्न हैक्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं बच्चे तो इस क़दर एक्साइट हैंक्स देख देख कर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ तो चले जी चल कर देखते हैं कि क्या बनता है इस के लिए हमें चाहिए होंगे जाहिर सी बात है पॉपकॉर्नस क्योंकि हमने ज़्यादा सारे पॉपकॉर्न ले लिए बच्चे ले आए थे छोटे चोट छोटे पैकेट्स में ले आए थे अचानक से ही बस इनका प्रोग्राम बन गया अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं वो बड़े वाले जो पैक है या ज़्यादा वाले वो ले आती तो ये बच्चे हर बहरहाल खुद ही छोटे छोटे से यहाँ से खरीद के ले आए तो चले जी स्टार्ट करते हैं बच्चों के एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो आप चेक करिएगा ज़रा ये हम सिंपल वाले बना रहे हैं जो आम जो बनते हैं नमक वाले सिंपल जो होते हैं घी डालते हैं और जो है कॉन्स डालेंगे और फिर इसको जो है हम बना लेंगे वैसे मैं तो ओवन में बनाती हूँ तो जल्दी से बन जाते हैं इसका अपना टेस्ट है ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं जो हम लोग पैन में बनाते हैं ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है अच्छा होता है डिफरेंट होता है लेकिन जो हम उसमें ओवन में बनाते हैं वो भी ज़बरदस्त बनते हैं अच्छे होते हैं मतलब वो कोई ऐसे बुरा जायका नहीं होता अच्छे होते हैं वो भी तो चलें जी ये हमने डाल दिया इसमें ऑयल डाला पॉपकॉर्नस डाले कॉर्नस डाल दिए वो फिर अभी पॉप पॉप करेंगे तो फिर उसके बाद वो पॉपकॉर्नस बन जाएंगे तो ये देखें जी स्टार्ट हो गया है ये चटक पटक करना शुरू कर दिया है इन्होंने अच्छा हमने ना पता क्या बच्चों बच्चे ये ले आए तो फिर मैं मुझे लगा मैंने कहा चलो ठीक है ये भी सही है कि अगर हम आ, थोड़े थोड़े बनाते हैं अगर तो सही बने तो ठीक है नहीं बने तो अगर चलो ज़ाया भी हो जाते हैं तो कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं है तो चलें जी ये देखें इस तरह से इसको हम हिलाएंगे ये हमारे सिंपल वाले पॉपकॉर्न जो हैं ये ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं इनको हम जो है निकाल लेंगे एक बर्तन में तो ये देखें जी ये हमारे सिंपल वाले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं नेक्स्ट जनाब इन्होंने तो पागल किया हुआ था ये बंटीज वाले जो कॉर्न्स थे इन्होंने पागल किया हुआ था तो हमने सोचा कि चले भाई ये भी करके देखते हैं जाहिर सी बात है इतने कलरफुल से अगर बन जाते हैं पॉपकॉर्नस तो बड़े बड़ा प्यारा सा एक उनकी लुक भी प्यारी है और ज़ाहिर एक था कि टेस्ट पता नहीं कैसा होगा फिर बच्चों ने जो है इसमें डाली बंटिस बंटिस को इन्होंने प्रेस किया बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल आप चेक कर रहे हैं आहा एक हाथ से दूसरे हाथ में दूसरे हाथ से दूसरे हाथ में <laughs> बस यही कुछ कर रहे थे बच्चे वो अपने आप को ना बहुत बड़े आ, मतलब वो उन्होंने वो क्राफ्ट वाली जो है ना बहुत जो फाइव मिनट क्राफ्ट देख देख के ना पागल हो गए मेरे बच्चे तो चले जी बंटीज थी उसमें हमने डाल दिए ये कॉर्नस डाल दिए अब हम इसको कवर कर देंगे और ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पक रहे हैं पक रहे हैं पके ही जा रहे हैं पकते ही जा रही हैं तो ये कोई इनमें कुछ जो है इम्प्रूवमेंट अभी तक नज़र नहीं आई है हिला हिला के मत वजगी भाजी और ये देखें जी नहीं कुछ भी नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है ये देखें जी और वो जो है बंटीज जो है वो मेल्ट हो चुकी हैं तो ये जी ये भी चलो शुक्र है ये इन्होंने कुछ तो करना शुरू किया तो ये थोड़े से पॉक टॉक करने शुरू हो चुके हैं ये ले जी अब इसका टेस्ट कैसा होगा वो भी हम आपको जो है वो बताएंगे अच्छा ये देखिए अब आप अब आप ख़ुद देख लें कि बंटीज़ के जो कलर आ रहे थे क्या इसमें वो कलर्स आए हैं बच्चे बेचारे तो आवाज़ आ रही हो गए बच्चे परेशान हो गए कि हाँ ये क्या हुआ वो वहाँ पर तो इतने ज़्यादा प्यारे कलर्स थे तो यहाँ पर तो ये जल जल गए हैं सारे <laughs> उनकी जो चॉकलेट थी ना इसकी बंटीज़ की वो जल गई जनाब चले ये हमने निकाल लिया अब हम जो है अपने पैन को धो लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद नेक्स्ट जनाब जो था दूध वाले पॉपकॉर्नस आ हाँ क्या बात है जी दूध वाले पॉपकॉर्न्स चलें जी स्टार्ट करते हैं अब बिस्मिल्ला रहिम दूध डालेंगे बर्तन में और दूध डालने के बाद ही हमने थोड़ा सा ऑयल डाला इसमें ये जैसे जैसे देखे हुए हैं बच्चे वैसे वैसे ही उसको फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने आ रहा है अब हमने इसमें डाल दिए जनाब कॉर्नस अच्छा मैंने ना चूल्हा जो है वो नीचे रख दिया था बच्चों को क्योंकि ऊपर जो है वो अगर खड़े होकर कुकिंग करते तो ऐसे ही अपने ऊपर ना कोई चीज़ गिरा लेते इसलिए मैंने वो छोटा सा चूल्हा एक रखा हुआ है तो उसको मैंने ना निकाल के बच्चों को दे दिया मैंने कहा चलो आप लोग बैठ के बनाओ साथ में मैं बैठ गई थी ताकि जो है कोई नुकसान वगैरह ना हो बच्चों को चोट ना लग जाए तो ये देखें जी दूध जो है वो सूखना शुरू हो चुका है और कॉर्न जो है वो अंदर ही अभी पक रहे हैं हिलाएंगे ज़रा थोड़ा सा कि शायद थोड़े से हिल जाएंगे अपनी जगह से हाँ जी पकाए जा रहे हैं पकाते ही जा रहे हैं जनाब पकाते ही जा रहे हैं इनको तो ये देखें जी बबल्स आ गए हैं दूध खुश्क होने की तरफ जा रहा है लेकिन अभी तक कोई भी कॉर्न जो है वो नहीं फूला है पॉप नहीं हुआ है अभी तक तो ये देखिए दूध खुश्क होता जा रहा है होता जा रहा है और होता ही चला जा रहा है जनाब ये देखें जी अब हमने जो देखे थे कि दूध वाले पॉपकॉर्न वाह वाह क्या बात है ये देखें जी दूध सारा जल चुका है और कॉर्न जो है ना वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुए हैं यहां तक कि वो बेचारे नरम ही नरम भी नहीं हुए जो नरम कहीं बन जाती है ना वो भी नहीं बनेगी तो बच्चों ने थोड़ा सा ऑयल शॉयल डाला इसमें मैंने कहा इसमें को ज़रा होश दिलवाओ थोड़ा सा ऑयल डालो शायद कुछ करें ये और डाल दो ऑयल को लेकिन जनाब नहीं वो नहीं मान रहा था वो कहते हैं नहीं जी नहीं मैं ना मानूँ तो ये देखें जी ये जनाब फ़ाइनल जो है ये आपके सामने है तो जनाब हमने फिर भी कोशिश की है कि हम थोड़ा सा इसको टाइम और दे दें कि शायद ये बन जाए अब बन जाए अब बन जाए, अब बन जाए। लेकिन नहीं जनाब नहीं काफ़ी कोशिश के बाद भी ये देखें ये जल रहा है लेकिन ये जो है वो पॉप नहीं हुए हैं तो जनाब अब हम क्या करें आखिर थक हार कर हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया ये देखें जी ये हमारे दूध वाले पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं <laughs> ओ और ये जो है ये साथ में बंटीज वाले हैं और ये सिंपल पॉपकॉर्नस हैं जो हमारे जो सिंपल होते हैं तो चले जी अब बच्चों ने देखे थे जी ये डेरी मिल्क वाले तो ये भी अब चल के देखते हैं जनाब ये क्या इसका रिजल्ट है ऑयल डालेंगे ऑयल डालने के बाद बच्चों ने डाल दिए हैं इसमें कॉर्नस अच्छा दूसरों की नस्बत जो है वो यहाँ पर बच्चों ने थोड़े से ज़्यादा डाले कि शायद जो हम डेरी मिल्क वाली जो बनाएंगे पॉपकॉर्नस वो ज़बरदस्त बनेंगे तो यहाँ पर इसको हमने ऑयल डाला और कॉर्नस डाले डाल के तो इसको हमने थोड़ा सा ये होने दिया इसको पॉप टॉप सा तो जनाब जब पॉपटॉप हो गए तो अब हम करेंगे क्या हम इसमें डाल देंगे अपनी डेरी मिल्क ये देखें जी हमने खोला इसको तैयार हो गए पॉपकॉर्न हमारे और अब बच्चे इसमें डेरी मिल्क जो है ये चॉकलेट डालेंगे ये एक चॉकलेट डाली बच्चों ने इसमें अच्छा यहाँ मुझे लगता ये है कि जो शायद ये डेरी मिल्क बच्चे लेकर आए थे ना शायद ये असल नहीं थी क्योंकि आपको पता है नकली चीजें तो आ जाती हैं अक्सर तो ये बच्चों ने अब ये दूसरी वाली भी डाल दी है दो डाली हैं तो इसको मेल्ट होना चाहिए था मेल्ट नहीं हुई ये ये जो है वो जैसे जम सी नहीं जाती है ऐसे हो गई थी बिल्कुल तो दो नंबर ही होगी इसीलिए ऐसा हो गया नहीं तो चॉकलेट तो जब जाती है तो वो मेल्ट हो जाती है जैसे वनटीज थी तो वो मेल्ट हो गई तो ये देखें यहाँ पर एक वो गठे ऐसा बन गया इसका चॉकलेट का वो मेल्ट नहीं हुआ जनाब तो यहाँ पर चले जी इनको हम जो है नंबर दे देते दे हैं थोड़े से हो सकता है हमारी जो डेरी मिल्क आई है ना वो शायद हमारी वो ठीक नहीं आई है तो ये देखें जी ये गुटलियाँ सी आपको नजर आ रही होंगी ये डेरी मिल्क पाई ए पाई ये भाजी डेरी मिल्क ये लें जी ये डेरी मिल्क है ये देखें क्रिस्पी हो गई है अकड़ गई है तो ये तो अजीब ही मामला है और बच्चे जो हैं कितने शौक से खाते हैं कि जी ये डेरी मिल्क वाली है तो चले जी नेक्स्ट अब ये हमने जो है ये खुद से किया है कि हम बनाएंगे शक्कर वाले ठीक है जी जो शक्कर होती है आम गुड़ शक्कर होती है ना वो वाले कॉर्स बनाएंगे तो जनाब ये हमने यहाँ पर किया गया कि हमने इसमें ऑयल डाला ऑयल डालने के बाद हमने थोड़े से कॉर्नस डाल दिए दूध का जला जनाब छाछ भी फूक फूक के पीता है तो हमारा इस टाइम यही हाल हुआ है कि हमने थोड़े से ही कॉर्नस इसमें डाले हैं ताकि ज़्यादा हमारे जो हैं वो ज़ाया ना हों को ज़ाया करना वैसे भी आप सब जानते हैं कि कितना जबरदस्त जो है इसका गुनाह है तो ये तो हमने अनजाने में मतलब हमने ने तो जो हैक्स देखे उसमें तो ऐसे बड़े कलरफुल से और ऐसे ऐसे चीजें होती हैं तो बहरहाल फिर इसीलिए हमने एहतियातन जो है वो थोड़े थोड़े से डाले बाद में मैंने बच्चों को कहा कि आपने वो भी इतने सारे जो है वो ज़ाया हो गए तो अब थोड़े डालना तो बहरहाल चले जी, थोड़े से पॉपकॉर्न हमारे फूल गए इसमें हमने डाल दी शक्कर शक्कर डालकर हमने इसको किया मिक्स अच्छा देखें हालांकि कॉर्न जो है वो हमारे फूल चुके हैं थोड़े से रहते हैं एक दो रहते हैं चलो जितनी देर में ये हमारी शक्कर होगी तो वो भी हो जाएंगे लेकिन जनाब ये हमने थोड़ी देर इसको पकाया पकाने के बाद हमने इसको निकाल दिया एक बर्तन में तो चने जी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अब हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो कॉर्न्स बन चुके हैं देखो जरा ये हमारा एक्सपेरिमेंट चेक करो जरा कैसा है ये सादे पॉपकॉर्न है ये बंटी वाले है और ये वाले कौन सी है ये शक्कर वाले है और ये दूध वाले हैं देखो जरा सड़े वाले ये ये सड़े वाले हैं तो ये वैसे क्यों ऐसा हुआ है यानी कि इसका मतलब है हैक्स जो है सारे फजूल होते हैं अब मैं ये सारे ये वाले जो हैं ये वो वाले हैं नॉर्मल जो है ये बंटी वाले हैं ये भी कड़वे जहर बने हैं और ये क्या है क्या है मजेदार है ना ना कड़वे हैं और ये कौन है तो जनाब जैसा कि आप लोगों ने देखा ये क्या टेस्ट था सब मैंने आपके साथ शेयर किया अच्छा जी बंटी वाले का मैंने कहा शायद बच्चों ने जो है थोड़ा सा गलत किया हो तो मैं इसको दोबारा से करना चाहती हूँ तो मैंने बंटीज़ मंगवाई दोबारा से हमने जो है अपने पैन को धोया ऑयल डाला क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही थी कि वाकई भी शायद बच्चों से थोड़ा गलत हो गया तो मैं करती हूँ तो जनाब मैंने फिर ऑयल डाला ऑयल डालने के बाद हमने डाल दी इसमें कॉर्नस कॉर्नस डालने के बाद हमने इसको ढांप दिया ताकि ये पॉप नॉप हो जाए जरा और थोड़ा सा जब ये हो जाएंगे तो अब अब के बार ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया ना पहले मैंने बंटीज नहीं डाली मैंने कहा जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो ये देखें जैसे यहाँ फूल चुके हैं तो अब हम इसमें बंटीज डालेंगे शायद कुछ असर कर जाए जो कलर है वो पॉपकॉर्नस के ऊपर उसका कलर चढ़ जाएगा शायद बंटीज़ का तो जनाब ये हमने ये आप देख सकते हैं बंटीज डाली इसको मैंने हिलाया अच्छी तरह से खूब सारा मैं इसको हिला रही हूँ ताकि जो है अच्छी तरह इस पे कलर आ जाए बंटिस जो है वो आ, हो जाए मेल्ट हो जाए तो जनाब बंटिस तो मेल्ट हो गई पर जनाब आप देख लें ये लेंजे ऐप एज ए रिजल्ट तो वो कलर तो कोई नहीं आया फिर बहरहाल मैंने जो है मैं जो है ऊपर बंटिस डाल दी जनाब ऐसे ही डाल कर तो फिर ये मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है तो बिल्कुल भी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट में ना हो जाते हैं कि हमने बस ये करना है करना है जैसे हमारे बच्चे हुए हुए थे इस टाइम तो जनाब ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है तो <laughs> अब मैं आपसे क्या कहूँ सीधे साधे से पॉपकॉर्नस खाया करें जो सीधे सिंपल होते हैं हाँ या फिर मार्केट में पैकेट जो हैं वो मिलते हैं मक्खन वाले भी मिलते हैं मक्खन तो खैर वो हम खुद भी बना सकते हैं तो उम्मीद है जी कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अब आप मुझे दीजिए इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़ और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा